रिस्पेक्टेड हेडमास्टर साहब और असातिज़ाए इकराम और अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि काफ़ी अरसा बाद जो है कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल्स दोबारा खुले हैं और आज हम फिर वापस उसी पटरी पे खड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। जिस तरीके से हम पहले स्कूल में आते थे उस तरीके से आप नहीं आना है। आपके पास अपनी वाटर बॉटल जो है वो अलग होनी चाहिए, मास्क हर एक के पास होना चाहिए और खाना जो है वो आपने शेयर नहीं करना है। खाना अपना अपना अलग खाना है, ऐसा नहीं करना है कि खाना जो है वो आप एक ही थाली में भी ना खाने की कोशिश करें। अपना खाना अलग, अपना लंच बॉक्स अलग रखें, अपनी थाली जो है वो अलग रखें और क्लास के अंदर एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठे और थोड़ा सा डिस्टेंस रखे जो है डेस्क से। ये हदायत जो है ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने देखा है कि स्कूल खुलने के बाद फिर जो है कुपवाड़ा से और किसी एक दो शहरों से, अनंतनाग से ऐसे केसेस सामने आए हैं। कुछ एक टीचर जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो कोविड पॉजिटिव अब कोविड वैक्सीन जो है वो भी लग रहे हैं, लेकिन कोविड-19 जो है एक वायरस है जो कि जानलेवा वायरस है। इससे हमारी जान जो है वो जा सकती है। अगर हम पॉजिटिव हो गए तो हमारी जान जा सकती है, क्योंकि इसकी दवाई भी अभी नहीं बनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया है इसके अगेंस्ट, लेकिन वो अभी तक हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चों को, हमारे असातिज़ा को नहीं लगा है। तो इसलिए एहतियातन ज़रूरी है कि आप मास्क में आएँ, खाना अलग खाएँ, सोशल डिस्टेंस रखें। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं ऐसे ही आप क्लास में भी बैठने की कोशिश करें दूर दूर। अगर कोई बच्चा नहीं एडजस्ट हो सकता है तो उसके लिए बाहर हमारे पास बरामदा है, वहाँ पर वो अपना डेस्क लगा ले, तो वो कोई ख़ास नहीं है। लेकिन आपने प्रिकॉशनरी ये जो है वो बातें याद रखनी है। उसके अलावा मैं आप सबको आज के दिन जो है, क्योंकि आलमी यौम ख्वातीन दिन भी आज का दिन जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये सबसे पहले 1908 में अमेरिका में मनाया गया था। तो आज जो है पूरी दुनिया के अंदर वुमेंस डे जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है, औरतों का आलमी ख्वातीन जो है क्या आलमी ख्वातीन डे जो है वो मनाया जा रहा है। तो उसका मकसद यही है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं ये हमारी जो आलमी सतह पे जो नामजद ख्वातीन हैं जिनने कुछ काम किया है साइंस की फील्ड में, खेलों की फील्ड में जैसे सानिया मिर्ज़ा जी हैं, साइंस की फील्ड में जैसे मैम क्यूरी जी हैं, इसी तरीके से मैडम कल्पना चावला जी हैं, तो इसी तरीके से आप मैडम किरण बेदी जी जी हैं, ये हमारे जो है रोल मॉडल्स ख्वातीन हैं हमारे हिंदुस्तान की। तो आपने क्या करना है कि आपने उनको पढ़ना है बुक्स के अंदर कि इन्होंने कैसे अपने आप को जो है वो इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो हर फील्ड में आगे आने की कोशिश करनी है ताकि आप कल अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, अपने असातिज़ा का नाम रोशन कर सकें, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें। तो इसलिए ये जो आलमी दिन है, इसका मतलब आलमी वुमेन डे जो है, इसका मकसद यही है कि हम उन ख्वातीन को आज के दिन याद करें, उनको पढ़ें और उनके कारनामे हम अपने बुक्स में देखें और अपने जहन के अंदर वही चीज़ जो है वो तैयार करें, ताकि हम जो हैं उनके नक्शे कदम पे चल के हम भी दुनिया के अंदर कोई ना कोई मकाम हासिल कर सकें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज के आलमी यौम ख्वातीन दिन पे आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको, और ये दुआ करता हूँ कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे ये भी जो हैं वो साइंटिस्ट बने और आलमी सतह पे के अच्छे खिलाड़ी बने और एजुकेशनिस्ट बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जय हिंद।